अब बजट की तैयारी में जुटे हैं जादूगर। पहली बार नवंबर में ही प्री बजट बैठक शुरू। आज सिविल सोसाइटीज और एनजीओ के साथ चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। युवाओं को समर्पित रहेगा गहलोत का अगला बजट। पहली बार विज्ञापन देकर युवाओं से मांगे बजट के सुझाव। कांग्रेस के कुछ नेता नेतृत्व बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन गहलोत ने आज की बैठक से दे दिए हैं साफ संदेश। अगला बजट भी गहलोत ही पेश करेंगे और नेतृत्व भी वही करेंगे। तो साफ और क्लियर संदेश और उसके माध्यम से बड़ा सियासी संदेश भी आप समझिए। हालांकि अर्ली बजट की बात की जा रही थी और ऐसे में ये जो बैठक है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए जादूगर का जादू हर बार चलता है और इस बार भी एक बड़ा संदेश। बिल्कुल, देखिए नवंबर में प्री बजट मीटिंग करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा संदेश दिया है प्रदेश की जनता को भी और राजनीतिक लिहाज से भी ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरह से आज विज्ञापन जारी कर पहली बार सरकार ने प्रदेश की जनता से बजट के लिए सुझाव मांगे, खासकर युवाओं को समर्पित बजट के लिए सुझाव मांगे थे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने आज भी बजट मीटिंग करना भी शुरू कर दिया है। अभी सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्टिविस्ट और जो एनजीओ है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे सुझाव लेंगे और इसी के साथ आज से प्री बजट मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी मीटिंग लेंगे और अलग अलग जो वर्ग है जिसमें यूथ है, स्टूडेंट्स है, इंडस्ट्रिस्ट है, इन सब की और वुमेन पावर है, इन सब की भी मीटिंग लेंगे, उनसे राय लेंगे और ये सुझाव के आधार पर फिर मुख्यमंत्री बजट की तैयारी करेंगे। और जहाँ तक पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे थे, करीब 44,000 सुझाव आए थे और इस बार चूंकि पब्लिकली सुझाव मांगे हैं, बार बार मुख्यमंत्री रिपीट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बड़ी संख्या में सुझाव आएंगे और उसके बाद एक बेहतरीन बजट पेश किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि एक तरफ ये बार बार जो अस्थिरता की बात की जाती है, कांग्रेस में अंदरूनी जो विवाद चलता है उसको लेकर चर्चा होती है, तो अब जो कि बजट की प्री मीटिंग करके बजट तैयार करने की मीटिंग करके मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है और जिस तरह से आज विज्ञापन देकर युवाओं से सुझाव मांगे थे तो साफ कर दिया कि अगला बजट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे और सरकार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी। तो चूंकि आज की बड़ी मीटिंग है और अभी काफी देर तक चलने की संभावना है, इस तरह की जो बैठकें हैं वो ऐसे भी कई दौर इनका चलेगा। और जब उनसे हालांकि ये सवाल पूछा था हमने कि क्या इस बार बजट थोड़ा जल्दी पेश होगा, तो उन्होंने कहा है कि अभी तारीख तो तय नहीं हुई है लेकिन जल्द ही इसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अनुमान यही है कि इस बार जो बजट है वो इससे पहले की अपेक्षा जल्दी पेश किया जाएगा और उसी लिहाज से गहलोत सरकार ने, प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। जी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।